हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट्स खाने का एकदम इजी वे। एक मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है और एक पाउडर, और इस मेथड को करना चाहती हूँ आप सबके साथ शेयर। सबको पता है कि ड्राई फ्रूट्स खाना कितना अच्छा है हेल्थ के लिए, लेकिन इतनी बिजी लाइफ में कोई खा नहीं पाता है। तो अगर आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को खाने के लिए तैयार कर लोगे तो आप इजीली पर डे इसे खा सकते हो, अपने बच्चों को भी खिला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सुपर हेल्दी और एकदम टेस्टी वाले पाउडर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बाउल बादाम, और यहाँ पे लिया है 1 बाउल अखरोट, 1 बाउल काजू, 1 बाउल पिस्ता, 15 से 20 इलायची के मैंने दाने निकाल लिए हैं, मूंगफली के छिलके मैंने हटा लिए हैं। सब इक्वल क्वांटिटी में मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने 5-6 लौंग लिया है, थोड़ा सा केसर लिया है 1/2 चम्मच, 1/2 स्पून, और ये थोड़ा सा लिया है मैंने जायफल। अब मैंने पैन में डाल दिया काजू, इसे बहुत ही ध्यान से रोस्ट करना है, कहीं जले नहीं, इस बात का हमें पूरा पूरा ख्याल रखना है। तो काजू को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। मैं डालूंगी अखरोट, और अखरोट को बहुत एकदम धीमी आंच पे सेकना है। ये बच्चों के लिए या आपके लिए, आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत हेल्दी पाउडर ये बनेगा। तो बस अब मैं अखरोट को ले लूंगी, क्योंकि इसे ज़्यादा रोस्ट हमें नहीं करना। तो अब मैं पैन में डाल दूंगी पिस्ता। पिस्ता पहले से रोस्टेड है, पर थोड़ा रोस्ट करना है। और सभी ड्राई फ्रूट्स को आप माइक्रोवेव ओवन में भी इजीली रोस्ट कर सकते हो। मूंगफली को भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा रोस्ट मैंने पहले ही मूंगफली को किया था इसके छिलकों को निकालने के लिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अभी भी थोड़ा सा कच्चापन है। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है, और अब मैं इसे मिक्सी के जार में ले लूँगी और इसका पाउडर बना दूँगी। यहाँ पे जो जायफल था उसे मैंने अच्छे से कूट लिया है। तो केसर, जायफल और लौंग इलायची को सबसे लास्ट में सेपरेट ही हमें मिक्सर में पाउडर बनाना है। तो ये देखिए, इसे हमने दरदरा ही रखा है, क्योंकि ज़्यादा पाउडर अगर मैं इसका बनाने जाऊँगी तो ये बिल्कुल गीला गीला हो जाए, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है। इसे दूध में डाल के खुद भी पी सकते हो और आपके फैमिली मेम्बर्स को पिला सकते हो खा। तो आई होप कि आप इस पाउडर को, ड्राई फ्रूट्स पाउडर को, ज़रूर से घर पे ट्राई करेंगे। अब मैंने यहाँ पे जो ये मिक्स ये पीसा था सेपरेट, इसे भी यहाँ पे मिक्स कर दूँगी। और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लौंग और इलायची की। इसे एक एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हो आराम से, 15-20 दिन तक ये चलेगा। गर्मी में छोटे बच्चे बहुत कम खाना खाते हैं, तो उनका एक जो बैलेंस डाइट जो होता है वो इसके थ्रू एटलीस्ट कंप्लीट तो हो ही जाएगा। कभी वो जल्दीबाजी में स्कूल गए और उन्होंने ब्रेकफास्ट ना किया हो, तो भी आप उन्हें 1 गिलास दूध में इस 1 चम्मच हेल्दी पाउडर को डाल के पिला दो, तो कोई कॉम्प्लान और बॉर्नविटा की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इस बिजी लाइफ में कैसा लगा ये ड्राई फ्रूट्स खाने का नया तरीका? बिल्कुल ईजी वे है ना। अगर आप ब्रेकफास्ट में ओट्स या फिर कॉर्नफ्लेक्स या ऐसा कुछ भी लेते हो, तो आप उसमें ये आराम से पेस्ट या फिर पाउडर, दोनों में से कुछ भी मिक्स कर सकते हो। ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर जो न्यू मम्मा हैं उनके लिए भी, उनके जल्दी रिकवर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ग्रोइंग बेबी के लिए बहुत अच्छा है, पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर से चिपकाइएगा, क्योंकि आपके लाइक्स को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फ्री एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। फिर से मिलती हूँ किसी नेक्स्ट और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।